फ्रेंड्स राधे राधे, आप सब कैसे हो। आज मैं इस वीडियो में राधा और कृष्णा की ड्रेस को बनाकर कंप्लीट करूंगी और ये पार्ट वन है। इसमें आपको राधा रानी का लहंगा एंड ब्लाउज को बनाना बताया गया है और लहंगे को डबल लेयर यानी डबल फ्रिल में बनाकर तैयार किया गया है और कॉटन के फैब्रिक से बनाकर तैयार किया गया है। चलिए आइए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। राधा और कृष्णा की कॉटन के सुंदर से फैब्रिक से ड्रेस को बनाकर तैयार करेंगे और इससे मैं कंप्लीट ड्रेस को तैयार करूंगी। और किस तरीके की ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे, ऊपर डबल लेयर में फ्रिल लगाने के बाद ड्रेस को कंप्लीट करेंगे। और इससे मैंने सबसे पहले नीचे लाइनिंग के पीस को कट किया और इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे आप फोल्ड किया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फोल्डर साइड इस तरफ रहेगी और ओपन साइड इस तरफ रहेगी। और किस मेजरमेंट के साथ इसको कट किया, यहाँ से 7 इंच की लंबाई लेने के बाद कट किया और यहाँ से भी 7 इंच की लंबाई लेने के बाद कट किया। और ऐसे ही 7-7 इंच पर मैं ऐसे रखती चली जाऊँगी और गुलाई देती चली जाऊँगी और इस तरीके से ये गुलाई वाला पीस कट हो जाएगा। और इस तरीके से गुलाई देने के बाद नीचे का लाइनिंग का पीस तैयार है। यहाँ से हल्का हल्का अंदर की साइड है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर इस तरीके से फ्रिल लगाने के लिए 2 पीस को कट किया। फर्स्ट पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ, 5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड लंबाई 43 इंच की लंबाई लेने के बाद पीस को कट किया और दूसरी पट्टी को भी कट किया है। इसका भी मेजरमेंट बता देती हूँ, इसको मैं ऊपर की साइड फ्रिल बनाकर लगाऊंगी तो इसका मेजरमेंट 4.5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड 25 इंच की लंबाई लेने के बाद दूसरी पट्टी को कट किया। और इससे कैसे करेंगे, पहले इसको नीचे की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और इसको भी कैसे करेंगे, इस पट्टी को ऐसे एक बार फोल्ड किया, उसके बाद दूसरी बार फोल्ड किया और इस तरीके से तुरपेंगे इसको यानी मशीन चलाएंगे। और इसी तरीके से दूसरी पट्टी को भी 1 फोल्ड और सेकंड फोल्ड ऐसे 2 फोल्ड करने के बाद इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। दोनों पीस को यानी बड़ी पट्टी और छोटी पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस पर लैस लगा लेते हैं। बड़ी पट्टी पर कैसे करेंगे, ऑफ वाइट कलर की लैस लेने के बाद इस तरीके से रखते हुए लगाएंगे और इसके ऊपर एक ऑरेंज कलर की लैस इस तरीके से रखते हुए लगाएंगे और छोटी पट्टी पर केवल ऑफ वाइट कलर की लैस लगाएंगे। इस पर सिंगल ही लैस रहेगी तो ये दोनों पार्ट में लैस भी लगा लेते हैं। दोनों पट्टियों में लैस लगाने के बाद नीचे वाली पट्टी में मैंने सिंगल ऑफ वाइट कलर की लैस लगाई है और ऊपर वाली पट्टी में डबल लैस लगाई है, एक ऑफ वाइट कलर की और एक ऑरेंज कलर की। तो ऐसे दोनों तरह की लैस लगाने के बाद बड़े वाली पट्टी को लेने के बाद कैसे करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे बल डालेंगे। और यहाँ पर मैं जैसे कि 1.5 इंच का गैप रखती हूँ, यहाँ पर 1.5 इंच का गैप नहीं रहेगा, 1 इंच का गैप रहेगा। ऐसे बल बनाऊंगी, फिर आगे 1 इंच के गैप पर पकड़ूंगी बल को और ऐसे रखूंगी। और यहाँ पर भी बीच में 2-3 पॉइंट का गैप रहेगा और फिर आगे फिर मैं बल को पकड़ूंगी और इस तरीके से रखूंगी, फिर ऐसे ही आगे बल को पकड़ूंगी इस तरीके से रखूंगी, बीच में 2-3 पॉइंट का गैप रहेगा और 1 इंच का यहाँ पर गैप रहेगा। ऐसे 1 इंच के गैप के बाद बल को पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे, फिर आगे 1 इंच का गैप रहेगा और बल को इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे रखेंगे, फिर आगे 1 इंच का गैप रहेगा, बल को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। और इस तरीके से इस फुल पट्टी में बल बना लेते हैं। ऐसी छोटे वाली पट्टी में भी इसी तरीके से सेम तरीके से बल बनाएंगे। तो दोनों पट्टियों में मैं बल बना लेती हूँ। बड़ी पट्टी में फ्रिल बनाने के बाद इसको बलों को इस तरीके से पकड़ने के बाद आयरन करने के बाद बल एकदम से सेट हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इस तरीके से बल बनाए और ऐसे ही मैंने छोटे वाली पट्टी में भी इसी तरीके से बल बनाए। पट्टी को लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे और इसको कैसे किस पर ज्वाइंट करेंगे, ये मैंने अम्ब्रेला शेप में नीचे की लाइनिंग को कट किया था। तो इसमें कैसे करेंगे, पट्टी को ऐसे रखते हुए पहले यहाँ पर निशान लगाएंगे बीच में
ऐसे दो दो इंच पर निशान लगाएंगे चारों तरफ, और निशान लगाने के बाद इसको ऐसे अटैच करते हुए आएंगे, और इसी तरीके से फिर अगले वाली पट्टी को इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इन दोनों पट्टियों को भी अटैच कर लेती हूँ। वाइट लाइनिंग के फैब्रिक पे नीचे वाली फ्रिल लगाने के बाद ऊपर की साइड भी फ्रिल लगा लेते हैं। और इसको कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए लगाएंगे। तो इसको भी लगा लेते हैं ऐसे। तो ये डबल लेयर में लहंगा बन के तैयार हो जाएगा। डबल फ्रिल लगाने के बाद लेंथ कंप्लीट है। अब मैं यहाँ से लेंथ भी आपको दिखा देती हूँ कितनी लेंथ तैयार है। 7 इंच की कंप्लीट लेंथ रहेगी, यानी ये 11 और 12 इंच राधा रानी को एकदम से परफेक्ट लहंगा आएगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, ऐसे लूज तो रखेंगे नहीं, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेते हैं साइड से भी। ऐसी दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड और ये सेकंड फोल्ड, ऐसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर नीचे की फ्रिल लगाने के बाद अब यहाँ का बॉर्डर भी बना लेते हैं। साइड से तो मैंने फोल्ड किया है और यहाँ से बॉर्डर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पट्टी को कट किया है। इसको कैसे करेंगे, ऐसे आप फोल्ड करेंगे और आप फोल्ड करने के बाद बैक साइड से ऐसे घुमाएंगे, और घुमाने के बाद इस तरीके से रखते हुए आएंगे पट्टी को, और आने के बाद इसको भी स्टिच करने के बाद इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे सीधी साइड से, और सीधी साइड से फोल्ड करने के बाद बीच में डोरी लगाएंगे। डोरी बीच में रखने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ से मैं सिंगली फोल्ड करूँगी क्योंकि यहाँ पर कन्नी है, और ऐसे फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो मैं ये ऊपर का बॉर्डर भी बना लेती हूँ। रानी की चोली यानी ब्लाउज को बनाने के लिए 2 पीस को कट किया, और ये ब्लाउज कट स्लीव बनाया जाएगा। तो इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। 4 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड लंबाई, 7 इंच की लंबाई लेने के बाद दोनों पीस को कट किया, और इसको कैसे करेंगे, हमें से 1 पीस को उठाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और 1 पीस आधा इंच ज़्यादा रखेंगे और 1 पीस आधा इंच कम रखेंगे, और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसको आप फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर गले के लिए छोटा सा कट डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे, छोटा ही कट रखेंगे। ऐसे कट रखने के बाद ऐसे दूसरे पीस में भी कट लगाएंगे। ऐसे दोनों पीसों में निशान लगाने के बाद यहाँ बीच से कट करेंगे, जहाँ पर मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है इस तरफ से बीच में से कट करेंगे, मगर इसको स्टिच करने के बाद कट करेंगे। ऐसे ही इसको भी स्टिच करने के बाद कट करेंगे। बीच से दोनों पीसों को कट करने के बाद बड़े वाले साइज़ की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे, गले पे से ऐसे फोल्ड करेंगे, और फिर ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे बीच में निशान लगाएंगे। और इसको यहाँ से बाद में कट करेंगे स्टिचिंग करने के बाद। तो इसको ऐसे नीचे लाइनिंग के पीस को रखने के बाद, और इसको मेन फैब्रिक को बैक साइड से ऐसे रखेंगे, और रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ से स्टिचिंग करते हुए यहाँ तक आएंगे और ऐसे घुमाते हुए नीचे उतरेंगे, और फिर ऐसे लेके आते हुए यहाँ तक आएंगे, ऊपर से ओपन रहेगा। तो इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं, ऊपर से ओपन रहेगा, यहाँ से सीधा करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ बीच से कट किया, और गले के यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद यहाँ से सीधा करेंगे ऐसे। पहले 1 साइड से सीधा करेंगे, अब आगे सेकंड साइड की सीधा करेंगे।
चोली को सीधा करने के बाद यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ऐसे अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगाएंगे, और इसके सिलाई लगाने के बाद इस तरफ प्लेट डाले जाएंगे। तो यहाँ से स्टिच करने के बाद यहाँ पर दो प्लेट डाले जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और इसको कैसे डालेंगे, इस तरीके से ये गले की बिल्कुल इक्वल ऐसे फोल्ड करेंगे, और दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करते करते यहाँ पर 1/2 इंच यानी 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर प्लेट डालेंगे, और ऐसे यहाँ पर भी प्लेट डालेंगे। तो ये दोनों साइड पे प्लेट भी डाल लेते हैं। प्लेट डालने के बाद यहाँ पर डोरी लगाएंगे, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं।